संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार और युवा नेता दलबीर सिंह गोल्डी मौजूद हैं। गोल्डी जी, कितनी उम्मीद है कांग्रेस को इस सीट पर? बहुत अच्छी उम्मीद है, क्योंकि हमने बड़ी अच्छी कैंपेन की है और पूरी पार्टी ने अपना, यानी कि एक एक वर्कर ने अपना पूरा दमखम दिखाया है, लेकिन वोट परसेंटेज कम है पूरे ऑल ओवर, क्योंकि काम का टाइम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, एकदम ही यानी कि इलेक्शन इसके दरमियान आ गई। सो सभी पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है अपना अपना। हमने ज़्यादातर गाँव में जाके, शहर में जाके, नुक्कड़ मीटिंग्स में ज़्यादा काम किया है और दूसरी पार्टीज़ ने रोड शो पे काम किया। अच्छा, भगवंत मान और आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि ये हमारा गढ़ है, इसमें कोई सेंध नहीं लगा पाएगा, किसी को दाखिल नहीं होने देंगे। पहले यहाँ से हमारे विजेंद्र सिंगला थे मेंबर पार्लियामेंट, उसके बाद दो बार भगवंत मान जीते हैं। अगर आप दोनों के कामों का कंपैरिजन करोगे तो लोग इस बार ज़रूर काम को वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने PGI जैसे बड़े हॉस्पिटल, यहाँ पे बड़ा स्टेडियम यहाँ संगरूर बनासरबाग में, कैंसर हॉस्पिटल, सभी धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रेन्स, इतने बड़े बड़े काम किए हैं और 8 साल में आम आदमी सिर्फ बातें करती रही है। उन्होंने, मेरे को नहीं लगता कि ग्राउंड रियलिटी पे उन्होंने, अगर उन्होंने एक भी काम किया है वो अपना दिखा दें, लोगों को बता दें कि उन्होंने 8 साल में ये काम किया है। सो मेरे को नहीं लगता कि एक लास्ट 2022 की MLA की इलेक्शन में एक हवा थी, लोगों को लग रहा था कि शायद ये कुछ चेंज करेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सिद्धू मूसे वाला हत्याकांड हुआ, वो एक बड़ा मुद्दा रहा इस चुनाव में। आप मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर और सिद्धू मूसे वाला हत्याकांड को लेकर जनता नाराज है? बिल्कुल नाराज है, क्यों नहीं नाराज हो। एक आपका यूथ आइकन चला गया पंजाब से, दोबारा वो पैदा नहीं होंगे। उन्होंने जो गाया, एक एक, चाहे वो किसी लैंग्वेज का इंसान हो, लेकिन उन्होंने उनके पूरे गाने सुने, चाहे वो फॉरेन की बात कर लो, चाहे वो भारत की बात कर लो, चाहे वो किसी स्टेट की बात कर लो, चाहे वो पाकिस्तान, हरियाणा, कहीं की भी बात करोगे आपको उनके फैन फॉलोइंग्स आपको वहाँ पर मिलेंगी। सो एक CM को उसकी सिक्योरिटी वापस लेके उसको अपने पेज पे डालना, लोगों को बताना और उनको ये पता होना कि यार इनको थ्रेट है ऑलरेडी, तो मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हुई है। तो उसके बाद अभी जितने भी हर रोज दो दो तीन तीन कत्ल हो रहे हैं, चोरियां, डकैतियां, ऐसी पंजाब ऐसा नहीं था पहले, ये अभी रिसेंटली ऐसा माहौल हो गया अभी। सो बहुत चिंता की बात है। तो आपका मुकाबला किससे है, BJP से, आम आदमी पार्टी से? नहीं, सभी से मुकाबला है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं। मैं जीत का कितना भरोसा? मैं सभी के लिए उनको विशेष दे रहा हूँ, गुड विशेस, कि सभी कैंडिडेट्स अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है ना। मेरा उनके साथ कोई जाति तौर पे कोई मुद्दा नहीं है, सभी पार्टियाँ अच्छी होती हैं, कोई बुरी नहीं होती, लेकिन उनको लीड करने वाले इंसान हमेशा अच्छे। जीत का भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, फुल भरोसा है। तो दलबीर सिंह गोल्डी कह रहे हैं पूरा भरोसा है जीत का और दावा कर रहे हैं कि इस बार संगरूर लोकसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर उलटफेर होगा और कांग्रेस यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब होगी। संगरूर से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9।